मुंगेर जिले के तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी का पटना के अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक का माहौल है। मेवालाल चौधरी राजनीति में आने से पहले वर्ष 2015 तक भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए मेवालाल ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतने के बाद मंत्री भी बने। मेवालाल की पत्नी भी तारापुर से विधायक रह चुकी थी। उनके निधन पर स्थानीय नेताओं ने अपनी संवेदना प्रकट की है। देखिए, बात सच्चाई है कि विधायक जी डॉक्टर मेवालाल चौधरी हम दुनिया में नहीं हैं। उससे हम एक पारिवारिक और घनिष्ठ संबंध था। उनके पूर्वज से ही हमारे पूर्वज का संबंध था। जबरदस्त सिंह शास्त्री हमारे परिवार के लोग थे। विधायक तारापुर के उनके यहाँ से उनका परिवार से परमानंद चौधरी से संबंध था और मेवालाल चौधरी भी सिंह थे। उसके बाद जब विधायक बने तो हम लोग का बहुत बढ़िया संबंध था। दल भले दूर था लेकिन संबंध बहुत बढ़िया था। कभी कोई लड़ाई नहीं हुआ, कोई किसी नहीं हुआ। और जो बात हम कहते थे, मुंगेर के तारापुर में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां की तस्वीरें देखने के बाद साफ नजर आ रहा है कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। दिनों दिन कोविड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसकी चपेट में आकर तारापुर के जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी की मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके इलाके में किसी तरह की कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही। नशा न्यूज की टीम ने जब बाजार का जायजा लिया तो प्रशासन का कोई शख्स नजर भी नहीं आया। गढ़वा के रंका अनुमंडल स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 10 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इससे विद्यालय के साथ साथ जिले में हड़कंप मच गया है। दरअसल प्रशासन के आदेश के बावजूद भी स्कूल की 55 छात्राओं की जांच की गई जिसमें 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार में कोरोना के कहर को देखते हुए जमुई जिले के खुदरा विक्रेता संघ ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान संघ के सदस्यों ने लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के साथ ही लोगों को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की बात भी कही। संघ ने शहर में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क भी मुहैया कराया।